संगम होटल के स्विमिंग पूल में अधिक डेथ हो जाती है। मैनेजर ने जब ये देखा तो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल सबसे पहले डेड बॉडी को देखता है, फिर उसे बाहर निकालने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है। डेड बॉडी स्विमिंग पूल के एक कोने में तैर रही थी, तो मेहुल को पूरे स्विमिंग पूल को क्रॉस करना पड़ता है। मेहुल हिमेश की डेड बॉडी तक पहुंच जाता है और डेड बॉडी को बाहर निकाल लेता है। हिमेश की मौत स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसका मर्डर किया गया है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। जब मेहुल हिमेश की डेड बॉडी निकालने के लिए स्विमिंग पूल के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, पूल बिल्कुल भी गहरा नहीं था। पानी कभी भी मेहुल के कमर के ऊपर तक नहीं गया। मेहुल के कपड़े भी देखिए वहीं तक भीगे हुए हैं। फिर भला हिमेश उसमें कैसे डूब सकता है? मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ओ नो, ये तो हमारे बॉस है। मैनेजर, तुम्हारे ही होटल में तुम्हारे मालिक का मर्डर हो गया, मुझे सच सच बताओ मामला क्या है? सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर, मैं तो 40 मिनट के लिए होटल से बाहर गया था और अभी अभी वापस आया हूँ। मेहुल होटल के सारे स्टाफ से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती, कोई भी होटल से बाहर नहीं जाएगा। मेहुल होटल के सारे कमरों की तलाशी लेता है और उसे 3 कमरों को देखकर डाउट आता है। मेहुल तो समझ जाता है कि कौन से कमरे में गड़बड़ है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन कमरों को ऑब्जर्व कीजिए। दूसरे कमरे को ध्यान से देखिए, उसकी कुंडी गायब है, मतलब इसका लॉक तोड़ा गया है। मेहुल तुरंत कमरे के अंदर जाता है और वहां का नजारा देखकर मेहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरे के अंदर एक और डेड बॉडी पड़ी हुई और उसके हाथ बंधे हुए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लगता है, इसका भी मर्डर किया गया है। मेहुल होटल के मैनेजर को कमरे के अंदर बुलाता है और उस आदमी के बारे में पूछता है। सर, ये तो हमारे हिमेश सर के दोस्त बॉबी है, लेकिन ये होटल के अंदर कब आए? होटल के मैनेजर तुम हो और तुम्हें नहीं पता होटल के अंदर बॉबी कैसे आया? सर, मैं 40 मिनट के लिए होटल से बाहर गया था, हो सकता है उसी टाइम बॉबी सर अंदर आए हो। मामला बहुत सीरियस होते जा रहा है, होटल के अंदर 2 लोगों का मर्डर हो गया है और किसी को कुछ नहीं पता है। मेहुल सारे कमरे की तलाशी लेता है और समझ जाता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं बल्कि काफी लोगों का है। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये काम सिर्फ एक आदमी का नहीं है बल्कि ज्यादा लोगों का है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, कमरे में 4 शराब की बोतलें हैं और 4 ग्लास रखे हुए हैं। इसका मतलब इस कमरे के अंदर मिनिमम 4 लोग तो जरूर थे जो शराब पी रहे थे। उन्हीं लोगों ने बॉबी का मर्डर किया होगा। मैनेजर, जब तुम होटल के बाहर गए थे तो होटल का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा था? सर, मैं जब बाहर जाता हूँ तो करण होटल की जिम्मेदारी देखता है। मेहुल और मैनेजर तुरंत करण के पास जाते हैं। करण, सच सच बताओ, मैनेजर के जाने के बाद होटल में कौन कौन आया था? तब करण बताता है, जैसे ही होटल का मैनेजर होटल से बहार गया, उसी समय बॉबी और उसके साथ 3 और लोग होटल के अंदर आ गए। वो लोग शराब पीने के लिए कमरा किराए पे मांग रहे थे। बॉबी हिमेश सर का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने कमरा दे दिया। लेकिन उन लोगों ने हिमेश को क्यों मारा और हिमेश होटल में क्या कर रहा था? मेहुल मैनेजर और करण से पूछताछ करता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि होटल का मालिक हिमेश होटल के अंदर कब आया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब हिमेश अपने ही होटल में चोरी से आया। मुझे होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। मेहुल होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन सारे कैमरे बंद थे और पूरा सिस्टम ऑफ था। मेहुल सीसीटीवी कैमरे के बारे में मैनेजर से पूछताछ करता है, तो मैनेजर बताता है कि सीसीटीवी कैमरे का सारा सिस्टम हिमेश सर के कंट्रोल में रहता है और उनके अलावा कोई भी कैमरे बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब हिमेश के कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद किए होंगे, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? केस बहुत ही कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो हिमेश और बॉबी की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। इन चारों में से कोई एक बटन ऑड वन आउट है, गन, बुलेट, मिसाइल या हैंड ग्रेनेड। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए कौन सी बटन ऑड वन आउट है। इन चारों में हैंड ग्रेनेड सबसे अलग है, क्योंकि बाकी तीनों को चलाने के लिए दूसरी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गन को चलाने के लिए गोली लगती है, गोली को चलाने के लिए गन लगती है, मिसाइल को चलाने के लिए आपको मिसाइल लॉन्चर या तोप लगता है, लेकिन हैंड ग्रेनेड को चलाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। मेहुल नंबर 4 बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना हिमेश और बॉबी की डेड बॉडी को चेक करती है और थोड़ी देर बाद मेहुल को बताती है कि हिमेश की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है और लगता है किसी ने जानबूझकर हिमेश को जबरदस्ती ड्रग्स खिलाया है, और बॉबी की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उसके मुंह और नाक को कपड़ों से दबाया गया है क्योंकि उसके मुंह पे कपड़ों के रेशे मिले हैं।
इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इस सारा खेल ड्रग्स का है। मेहुल तुरंत सोनिया को कॉल करता है और हिमेश के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल को सोनिया का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है कि कुछ साल पहले हिमेश बहुत गरीब था, लेकिन अचानक से उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया और उसने शहर में बहुत सारे होटल बनवा लिए। इसका मतलब हिमेश जरूर ड्रग्स का धंधा करता होगा, इसलिए उसके पास इतने सारे पैसे आ गए। मेहुल तुरंत संगम होटल पहुंच जाता है। होटल के सामने एक बहुत बड़ी दुकान थी और उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मेहुल उस दुकान पर जाता है और सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज में मेहुल को तीन कार दिखाई देती है जिसमें बॉबी के साथ तीन लोग थे। मेहुल तीनों कार के नंबर्स को नोट कर लेता है, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से एक कार का नंबर नकली है। मुश्किल में क्या बता सकते हैं कौन सी कार का नंबर नकली है, सोचिए सोचिए। दूसरी कार और तीसरी कार का नंबर सेम है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब दोनों में से एक कार का नंबर नकली है। मेहुल तुरंत आरटीओ ऑफिस में कॉल करके उन नंबर्स के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि इन कार का मालिक शहर का एक डायमंड व्यापारी है। मेहुल तुरंत अपनी कार से उस डायमंड व्यापारी के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था, वो मेहुल को घर के अंदर नहीं जाने दे रहा था। मेहुल उसे काफी समझाता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो मेहुल उसे जोरदार किक मारता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर का सीन देखकर मेहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर के अंदर चार लोग मिलकर बोरे में पैसे भर रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतना सारा पैसा, इसका मतलब जरूर ये डायमंड व्यापारी ड्रग्स का धंधा करता है। मेहुल को देखते ही वो लोग मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल डाइव लगाता है और दीवार के पीछे छुप जाता है, लेकिन पीछे से वो बॉडीगार्ड बंदूक लेके आ जाता है जिसे मेहुल ने बाहर मारा था। मेहुल कमला उठाकर उस बॉडीगार्ड के ऊपर मारता है, इससे वो बॉडीगार्ड नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। मेहुल छलांग लगाकर उसकी गन उठाता है और गन पॉइंट पर उसे पकड़ लेता है। वहीं बाकी लोग मेहुल पे फायरिंग करने लगते हैं। मेहुल की शूटिंग स्किल्स अमेजिंग है। मेहुल निशाना लगाता है और एक गोली गुंडे के पैर पे मारता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो, वरना मैं गोली मार दूंगा। वो लोग डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। मेहुल पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है। पुलिस सारे गुंडों को अपने कब्जे में ले लेती है। मेहुल उनसे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि डायमंड व्यापारी ने संगम होटल के मालिक हिमेश और बॉबी का मर्डर किया है और अब वह व्यापारी देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। अगर डायमंड व्यापारी एयरपोर्ट पहुंच गया है तो ये पैसे तुम लोग लेके कहां जा रहे हो? तब वो लोग बताते हैं कि प्लेन से इतने सारे पैसे ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो समुद्र के रास्ते ये पैसे लेके भागने का प्लान कर रहे थे। मुझे चल से चल उस डायमंड व्यापारी को पकड़ना होगा। मेहुल तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। मेहुल आदि को कॉल भी कर देता है। आदि, जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट के सारे कैमरा हैक कर लो। मेहुल सर, मैंने एयरपोर्ट के सारे सिक्योरिटी कैमरास हैक कर लिए हैं। तुम मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। आदि, मुझे उस व्यापारी की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, जल्दी करो। मेहुल सर, वो व्यापारी टर्मिनल 3 के गेट 7 के पास है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके पास कुछ बॉडीगार्ड्स भी हैं। मेहुल एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से तुरंत गेट नंबर 7 पे पहुंच जाता है। ये तो बड़े बड़े दो बॉडीगार्ड के साथ खड़ा हुआ है। बॉडीगार्ड उस पे अटैक कर देते हैं। मेहुल उन बॉडीगार्ड्स की अच्छे से धुनाई करता है और फिर व्यापारी को पकड़ लेता है। ये सॉल्ट डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।